ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो अगर आप लोग हैं हमारे चैनल पर एक्टिव चैटर, तो आपको पता ही होगा पिछली काफी सारे वीडियोस में बात कर चुका हूँ ऑल इलीट रेसलिंग मतलब कि AEW के बारे में, कि कैसे इनकमिंग टाइम में वो दे सकते हैं WWE को काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपर स्टार्स के बारे में जिनकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि वो WWE कंपनी को छोड़कर WWE कंपनी को लीव करके वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इलीट रेसलिंग को और एक तरह से अगेंस्ट आ सकते हैं WWE कंपनी के। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहला नाम एक्चुअली एक टैग टीम है जिसका नाम है दी असेंशन। हम लोग जानते हैं जब से NXT से इन्हें ऊपर लाया गया, इनके साथ WWE के मेन रोस्टर में ज्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं, और ऐसे में हम लोग कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज उन सुपरस्टार के AEW में जाने की काफी ज्यादा बढ़ जाती है जिनका WWE में कोई अच्छा खासा यूज नहीं होता। तो उनके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि वो WWE कंपनी को छोड़ें और जाएं AEW में। और आपको बता दूं असेंशन की कुछ हिस्ट्री भी रही है कोडी रोड्स के साथ। आपको याद होगा जब WWE के अंदर कोडी रोड्स से एज स्टारडस्ट, तो हमें वहां पर असेंशन एंड स्टारडस्ट की भी एक टीम देखने को मिली थी और इस तरह से इनकी रिलेशन काफी अच्छे। तो अगर ऐसे में कोडी रोड्स का सामने से ऑफर आता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं AEW को एक तरह से लीड वही करने वाले हैं, तो इस तरह से हम असेंशन AEW पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं WWE कंपनी को छोड़कर। अगले नाम की बात करें तो यहां पर ये नाम है टाइड डिलिंजर का। अब जो इंटरेस्टिंग बात है टाइड डिलिंजर के केस में वो ये कि अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो फॉलो कर रहे हैं ऑल इलीट रेसलिंग मतलब कि AEW के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को। अब इससे उनका क्या मतलब है, और वैसे भी WWE में उनकी बुकिंग तो कोई खास होती नहीं, तो इसके चलते हो सकता है कि हमें टाइड डिलिंजर WWE कंपनी को छोड़कर AEW में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगले नाम की बात करें जो कि शायद आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, और ये नाम है मैट हार्डी का। अब ऐसा हो सकता है अंदर की बातें कुछ ऐसी बताते हैं कि WWE वैसे अलाउ नहीं कर रही मैट हार्डी को जैसे वो चाहते हैं रेसल करना, और वैसे भी मैट हार्डी का जो रिलेशन है वो यंग बक्स के साथ काफी अच्छे हैं। तो ऐसे में हो सकता है हमें मैट हार्डी अपना प्रमोशन स्विच करते हुए दिखाई दें और इन कमिंग टाइम वो WWE कंपनी को छोड़ दें, जहां पर उन्हें एक तरह से बैक स्टेज रोल मिला है और वो हमें ऑल इलीट रेसलिंग में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट नेम की बात करें और ये भी यहां पर एक टैग टीम है जिनका नाम है द रिवाइवल। हम लोग जानते हैं रिवाइवल के साथ कुछ नहीं हो रहा मेन रोस्टर में आकर, उन्हें उल्टा सीधा बुक किया जाता है और फिलहाल उनकी पता नहीं अजीब सी स्टोरी लाइन चल रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज की बात करें कि पिछले कुछ टाइम में ऑनलाइन हमें यंग बक्स एंड रिवाइवल की एक तरह से फ्यूड देखने को मिली थी, और यंग बक्स एक तरह से काफी ऊपर है AEW में। तो हमें ऐसा होता हुआ दिखाई दे सकता है कि रिवाइवल WWE कंपनी छोड़कर AEW में जा सकते हैं, और क्योंकि रिवाइवल का WWE में यूज भी नहीं हो रहा, तो ऐसे में इन सभी सुपरस्टार्स के पास मौका जिनको अच्छा पुश नहीं मिलता वो AEW में जाकर अपना करियर बना सकते हैं। जैसा कुछ टाइम पहले कोडी रोड्स ने किया था, उन्होंने WWE छोड़ी और तब से उनका जो करियर है वो काफी ज्यादा अच्छा चला। अगले नाम की बात करें और ये वाकई में काफी बड़ा है, क्योंकि ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि द बिग गाय रायबैक है। तो रिसेंटली रायबैक ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट के बाद से रायबैक को लेकर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी सामने आ रही है कि वो हमें जाते हुए दिखाई दे सकते हैं AEW में। अब वैसे ये ऐसे सुपरस्टार नहीं कि जो WWE से AEW में जा रहे हैं, लेकिन हाँ काफी टाइम पहले WWE में थे, तो मुझे लगा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर रायबैक के भी काफी अच्छे चांसेस बन जाते हैं AEW में जाने के, और बड़ी बात यहाँ पर ये क्योंकि रायबैक WWE के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो ऐसे में अगर वो सही में जवाब देना चाहते हैं WWE को कुछ, तो उनके पास ये मौका है कि वो AEW में जाएं और वहां पर अपना नाम बनाएं, जिससे कि वो WWE कंपनी को बता सके कैसे आपने मेरा यूज नहीं किया लेकिन मेरे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है। और फाइनल नेम की बात करें तो ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर WWE चैंपियन द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स हैं। आपने अगर असली अखाड़ा की वीडियो देखी तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज चल रहे हैं AJ स्टाइल्स के साथ, ऐसा हो सकता है कि AJ स्टाइल्स WWE के अंदर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ज्यादा आगे ना बढ़वाएं, और शायद इसलिए उन्हें WWE चैंपियनशिप हरवाई गई है। अब ये बात कितनी सच है तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर AJ स्टाइल्स के इस तरह से काफी अच्छा चांस बन जाता है, और ये काफी मेजर स्विच होगा अगर AJ स्टाइल्स WWE कंपनी छोड़कर AEW में जाते हैं, और कहने कहीं WWE को इससे काफी तगड़ा घाटा होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो AEW को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, वैसे भी NJPW से आए हैं AJ स्टाइल्स और NJPW के काफी सुपरस्टार ऑलरेडी होंगे वहां पर, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शायद AJ स्टाइल्स का भी काफी अच्छा खासा चांस बन जाता है अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट इशू सही नहीं होते, तो वो हमें ऑल इलीट रेसलिंग में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस, तो चैटर्स ये थे वो नाम जो कि पॉसिबल इनकमिंग टाइम हमें WWE कंपनी छोड़कर AEW में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वाकई में WWE के लिए ऑलरेडी काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा चैलेंज यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आप और किन किन सुपरस्टार्स को देखना चाहेंगे जो कि WWE कंपनी छोड़कर जाएं AEW में, और आपको कैसा लगता है फ्यूचर में क्या कुछ ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।